Right now, I'm going to Estiva Clinic to get lip reduction surgery. If you look at my face, my lip doesn't seem to be the worst feature that I need a cosmetic surgery. But whenever I smile or talk, it starts to appear proportionally big. That's why I wanted to improve it. I did my research to find a good cosmetic surgeon in my budget, and I found Mrinalini Sharma. I told her my problem and what result I want, and finally I got the surgery. मेरे लग रहा है जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, पता है दर्द हो रहा है। लिप क्लोज अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग जैसी है। मैंने बोला है कि कल और परसों और स्वेलिंग बढ़ने वाली है, इसीलिए आइस पैक लगाते रहना, लिप को छोड़ के बाकी जगह आइस पैक लगाते रहना। और बाकी एक वीक तक एक वेरी लाइट खाना खाना है, जैसे खिचड़ी वगैरह कुछ उस तरह खाना है। दिस इज डे टू, स्वेलिंग ज़्यादा है। रात में मुझे दर्द कर रहा था, बट सुबह होते हुए दर्द तो नहीं कर रहा है, बट स्वेलिंग ज़्यादा हो गई। स्वेलिंग ऐसी है ना कि लंप जैसा फील हो रहा है। लिप दिस इज थर्ड डे, स्वेलिंग अभी बहुत ज़्यादा है। कल से ऐसे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इज पॉसिबल ऑफ माई लिप। पहले दिन क्या था कि थोड़ा मूव करना बहुत मुश्किल था, पानी पीना बहुत मुश्किल था, थोड़ा सा बेटर। सो दिस इज डे थ्री इवनिंग, मैं ऑफिस गया था, ट्रेनिंग चल रही है मेरी। वहाँ पे क्या था कि मैंने मास्क लगा के रहता हूँ, तो मैंने पानी नहीं पिया और खाना भी नहीं खाया, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो गई और अभी बहुत जलन जैसा हो रहा है। दर्द उस तरह का दर्द नहीं हो रहा है, बट जलन हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्योंकि क्लास में क्या होता है, हंसी मजाक होते रहता है, तो कुछ फनी हो गया तो हंसी जैसी आ रही थी, वो स्ट्रेच हो रहा था लिप। और सो डोंट ईट पिज़्ज़ा और एनीथिंग विच इज़ हार्ड टू बाइट, क्योंकि देखो सॉफ्ट खाना इसलिए खाना है क्योंकि नहीं तो दर्द होता है, ठीक है, दांतों में दर्द होता है, चबाया नहीं जाता है। मंडे को मेरी सर्जरी हुई थी और अभी है फ्राइडे इवनिंग, एंड अभी तक मुझे मंडे से लेकर अभी तक मैं बेस्ट आज फील हो रहा है। तो लिप अभी अभी स्टिकी नहीं है, कल सुबह का तो पता नहीं, बट अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है। एक्चुअली मैं पिछले वीक में मेरे को डेंगू हो गया था, आई एम फीलिंग रियली गुड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। एंड आई एम अगेन ईटिंग खिचड़ी एंड टोमेटो, दिस इज टमाटर की चटनी एक तरह से, इट्स बेसिकली प्याज टमाटर चिली फ्लेक। वो जो पिज्ज़ा मंगाया था मैंने उसी से बनाया है। दिस इज डे सेवन इवनिंग। अब मेरे जो ये हैं स्टिचेस लगे हैं वहाँ पे, अब थोड़े ड्राई मतलब सूखने लगे हैं, अब हील होने लगे हैं। सो दिस इज डे एट मॉर्निंग एंड दिस कैन लुक हाउ इट्स लुकिंग। डे नाइन इन द इवनिंग, या यू कैन लुक इट। First 4 to 5 days are most difficult and very uncomfortable. Eating, drinking is very uncomfortable and challenging. And your lip will stick, especially in the morning, and it will give you a burning sensation. But by 7th or 8th day, everything will be fine and you will feel like it's worth the discomfort. Because it's not very long, so bear the pain. This is day 13. और अभी आप देख सकते हो ड्राई थे ना स्किन, डेड स्किन जो ड्राई हो गए थे वो निकल गए हैं। नमनेस अभी फील हो रहा है, दबाने के साथ दर्द होता है, एंड थोड़ा आई डोंट नो द वर्ड फॉर दैट, वो थोड़ा है ना स्टिंगी जैसा फील होता है, स्टिंग यू नो, जैसे कोई चीटी या फिर कुछ ऐसा काट लेता है। बाकी बोलने में ठीक है, थोड़ा अभी भी मतलब स्ट्रेच नहीं करना है बहुत, जैसे स्माइल करते हुए या बहुत ज़्यादा बात करते हुए फिर दिक्कत हो जाए। मैं पहले ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि मतलब बात करते हुए कैसा लगेगा, स्माइल करते हुए कैसा लगेगा, बिकॉज दैट वॉज माई मेन कंसर्न है ना। सो क्या वो स्टिचेस दिखेंगे नहीं दिखेंगे, एंड शेप क्या यूनिफॉर्म होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सारे डाउट्स थे। एंड आफ्टर अभी से मेरा काफ़ी ज़्यादा वो रिलीफ हो गया है, क्योंकि आई कैन सी यस इट्स लुकिंग बेटर। सो दिस इज डे 14 और आज लिप काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है, जो भी वो ड्राई स्किन थे वो सब निकल गए हैं। अभी भी थोड़े हैं, आई गेस कुछ दिन में निकल जाएंगे। अभी लिप काफ़ी टाइट फील हो रहा है। सो दिस इज़ डे 17। अभी नॉर्मल जैसे मेरा लिप दिखता था उससे अभी कम स्वेलिंग हो गई है, थोड़े पतले दिख रहे हैं, मे बी अभी और पतले होंगे। मतलब जैसे मैम ने बोला था कि फाइनल रिजल्ट तो आपको कम से कम एक महीने बाद ही दिख पता चलेगा, हैव टू वेट एटलीस्ट 2 मोर वीक्स टू सी द फाइनल रिजल्ट।